या स्टार्ट। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू म्यूजिक वेरेंडा। वेरेंडा हमारी खुशियों का, सपनों का और हमारी सेलिब्रेशंस का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज लेजेंड, हमारे बॉलीवुड के लेजेंड किशोर दा का बर्थडे है। तो लाइव और आज होगी। हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे लेजेंड किशोर दा को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे बीच में है। उनके गाने हमारे बीच में है, उनके नगमे हमारे बीच में है, और उन्होंने हमारे बॉलीवुड को इतने बेहतरीन गाने दिए हैं जिनको अगर शब्दों में बयां किया जाए तो वो कम है, जितना कहा जाए उनके बारे में कम है। तो आज उन्हीं के कुछ नगमे, जिनकी फरमाइश हमारे पास हमेशा आती थी, उन फरमाइशों को पूरा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स इन वेरेंडा, हमारे प्यारे दीपक सर। सो वेलकम टू यू दीपक सर। थैंक यू सो मच दिवाकर जी। हार्टली वेलकम टू एवरीबॉडी वॉचिंग दी फेसबुक लाइव इन म्यूजिक वरांडा पेज। थैंक यू सो मच। सर आप, मैं हम सभी जानते हैं कि आप किशोर दा को कितना मानते हैं, आप कितना उनके गाने गाते हैं, आप एक तरह से उनको गुरु मानते हैं, आप उनको जितना फॉलो करते हैं, जितना पैशनेट उनके गानों के लिए हैं, वो काबिले तारीफ है सर। और हम सभी उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं। बट आप जिस तरीके से उनके गाने गाते हैं और जिस फील के साथ गाते हैं, वो बहुत मजा आता है सर। तो आज हम आपसे कुछ नगमे सुनेंगे जो कि जिनकी फरमाइश भी आई है हमारे पास, बहुत सारी फरमाइशें आई हैं। और सर आप क्या कहना चाहेंगे किशोर दा के बारे में, कुछ कुछ लाइनें? जी ज़रूर। देखिए, किशोर दा के बारे में क्या बोले जाए, जितना बोले उतने कम है। बिकॉज बेसिकली ही इज़ द अल्टीमेट सिंगर, अल्टीमेट व्हाट यू कॉल पैकेज है। अगर देखा जाए तो क्या नहीं आता उनको कि बेस्ट सिंगर है। और क्या बोलते हैं, किसी किसी भी भाषा में आप ऑलमोस्ट गा सकते हैं। जैसे उन्होंने मोस्टली तो हिंदी में गाना गाया है, उसके अलावा बंगाली में, मराठी में, असमीज में, गुजराती में, कन्नड़ में, भोजपुरी, मलयालम, उर्दू भी गाते हैं। तो बेसिकली एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है, कुछ भी गा सकते हैं। ठीक है, सो मैं इतना ही कहूँगा कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि उनका गाना गाने का मुझे आज मौका मिल रहा है। मैं बहुत ही दिल से उनकी इज्जत करता हूँ, वो जहाँ कहीं भी है। और मैं चाहूँगा कि आज का शाम, जो किशोर दा के नाम उनके जो बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये सभी लोग एकत्रित हो और सभी लोग इसको एंजॉय करें। और इतना मैं कहना चाहूँगा उनके लिए फिलहाल। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। और सभी आपको बहुत पसंद करते हैं, म्यूजिक वरांडा में आपकी गायकी को बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए आज की शाम शुरू करते हैं किशोर दा के नगमे से। और सबसे पहले आप क्या सुनाना चाहेंगे सर? मैं एक बहुत ही बेहतरीन गाना किशोर दा ने गाया है, जो कि जो मूवी है दूर का राही, जो कि 1971 में रिलीज हुई थी। बहुत ही बेहतरीन गाना है। मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा। जी सो मुझे कुछ सेकंड्स दीजिएगा, क्योंकि ट्रैक में मैं गाना गाऊंगा तो मेरे को थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा। जी जी जस्ट फ्यू बिल्कुल बिल्कुल सेकेंड्स। थैंक यू। सर। और मैं अपने व्यूअर्स को फिर से एक बार बता देना चाहूं कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द लेजेंड किशोर दा का बर्थडे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी शख्सियत थे और जिनके गाने हम पहले भी सुनते थे, आज भी सुनते हैं और आज के 100 साल बाद भी सुनेंगे। उन्होंने ऐसे ऐसे गाने हमारे बॉलीवुड को दिए हैं, हम सभी को दिए हैं। उन्होंने बॉलीवुड का नक्शा ही बदल दिया, और जितना उनके बारे में कहा जाए उतना कम है। सो ओवर टू यू दीपक सर। थैंक यू सो मच। बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने, जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने। बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तरा
जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूठे दिल दीवाने, बेकरार दिल तू गाएगा। राग हो कोई मिलन का, सुख से भरे सरगम का, युग युग के बंधन का, साथ हो लहरों जन्म का, ऐसे ही बहारे गाते रहे और सजते रहे वीराने, जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूठे दिल दीवाने, बेकरार दिल तू गाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये सचमुच बहुत ही प्यारा गाना है, बेकरार दिल तू गाए जा। क्या मतलब क्या गाते थे किशोरदा, एकदम डूब के गाते थे उस गाने को, जीते थे। किशोरदा की खासियत थी वो, जो उन्होंने जितना भी गाया है, जो भी गाया है, उसमें घुल के उसको जी के गाया है, ये उनकी खासियत थी। और बहुत अच्छा गाया सर आपने, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। और हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे गानों की फरमाइश है सर। सर तो अब मेरी एक रिक्वेस्ट थी आपसे, एक फरमाइश आई थी हमारे पास, राह पे रहते हैं यादों में बसर करते हैं, उस गाने की मैं आपसे वो सुनना चाहूंगा। जरूर जरूर, मुझे कुछ सेकंड का मोहलत चाहिए क्योंकि आपको मालूम है कि ट्रैक में लगाने वाला हूं अभी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, वन मोमेंट प्लीज। सो गाइस, अब हमारे पास एक फरमाइश आई थी राह पे रहते हैं, जो कि किशोरदा का बहुत ही प्यारा गाना है। और ये उस चीज़ को दर्शाता है कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, हमें यादों में हम जो खो जाते हैं उसको दर्शाता है। मतलब क्या गाते थे किशोरदा, इज अल्टीमेट। ओके सर, ओवर टू यू। थैंक यू दिवाकर जी। Thank you so much. Thank you once again.
थैंक यू, क्या बात दीपक सर, आप बिल्कुल किशोरदा की कॉपी हैं आप थैंक यू सो कहा मच। जाए तो बिल्कुल आप कॉपी हैं किशोरदा की, क्योंकि जिस तरीके से वो भी मजे लेके गाते थे गाने को, बिल्कुल आप उनकी तरह ही, उनका स्टाइल ही आप लेके आते हैं गाने में। सो ये बहुत बड़ी चीज है, किसी को उतार लेना अपने अंदर, ये बहुत बड़ी चीज है सर, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किशोरदा हर तरीके के गाने गाते थे, मतलब हर मूड का गाना गाते थे, तो उन्होंने कुछ जॉली मूड्स के गाने भी गाए हैं, कुछ रोमांटिक गाने भी गाए हैं, तो हर तरीके के गाने गाते थे। तो दीपक सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। मेरा एक सवाल था, क्योंकि आप दीपक, आप किशोरदा को बहुत मानते हैं, तो ये सवाल पूछना बिल्कुल लाजमी है, आप उनके किस स्टाइल को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? अनम्यूट प्लीज। सॉरी, सबसे बड़ा जो उनका स्टाइल जो मुझे पसंद है, बचपन से पसंद है, मुझे जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं करीब करीब 6 साल के आसपास का था, तब से मैं कहीं ना कहीं उनके गाने गुनगुनाता रहता हूँ और आज तक गुनगुना रहा हूँ। और जो सादगी है उनमें, वो सबसे बड़ा स्टाइल है मेरे लिए। मतलब उनके में कोई बनावटी नहीं है। अगर बात करें किसी भी एक्टर के बारे में, अगर बात करें सपोजिंग अमिताभ बच्चन के लिए गाना गाना हो, राज खन्ना साहब के लिए गाना, किसी के लिए गाना गाना, वो बिल्कुल उनमें घुल जाते हैं। वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं एग्जैक्टली कौन है हीरो और उनकी शख्सियत क्या है, उस अकॉर्डिंगली अपने गाने को मॉडिफाई करते हैं, बहुत बहुत सादगी से गाते हैं। जो ये सिंप्लिसिटी है, ये मुझे बहुत पसंद है। यही है बेसिकली, मुझे बहुत बिल्कुल पसंद है इस चीज़ बिल्कुल का। सर, ये उनकी सबसे खासियत में से एक थी कि वो जो जो गाना उनको दिया जाता था, वो उसको जीते थे, वो समझते थे पहले कि गाना है क्या, फिर उसको समझ के और फिर गाते थे। तो ये उनकी बहुत ही एक खास शख्सियत थी, और ये उनका टैलेंट था, हुनर था उनका। तो अब आप हमारे FB व्यूअर्स को क्या सुनाना चाहेंगे सर? सर अनम्यूट। सॉरी, अगला जो गाना मैं ले रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही चहेता गाना है। खासकर पार्टी में हम लोग बहुत सारे लोग हम लोग गाना गाते हैं। ये मूवी जो है बेमिसाल मूवी से, बहुत ही खूबसूरत इनके गाने के बोल है। मैं फिर से गुजारिश करूंगा, मेरे को कुछ सेकंड्स का मोहलत दिया जाए ताकि मैं जी ट्रैक सेट बिल्कुल कर बिल्कुल सकूँ। थैंक यू सो मच। सर, क्योंकि परफेक्शन के लिए टाइम तो चाहिए, और बिल्कुल वो टाइम आपको देना चाहिए, तो हम आपको टाइम देते हैं सर। क्योंकि किशोरदा का गाना गाना और मूड बनाना दोनों बहुत मुश्किल है या। किशोरदा का मुझे एक गाना याद आता है, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटोरिया। तो उन्हें 1 महीना लगा था इस गाने को तैयार करने में, और उस लड़की के अंदाज को पकड़ने में, क्योंकि ये दोनों गा ये दो आवाजों में गाना था, डुएट में, मेल भी गाना था, फीमेल भी गाना था, तो उन्होंने बहुत समझा। सो ओवर टू यू दीपक सर। थैंक यू सो मच दिवाकर जी। सो हियर आई गो। तेरा नाम लूंगा मैं, तेरा नाम
जिस दिल को थाम लूंगा मेरे हसीन का दिल, मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। हेलो दिस इज दीपक अगेन, दीपक दे। I think some technical issues. कुछ एरर आ गया है, सॉरी है। ओके, कोई बात नहीं, बट ये गाना भी बहुत अच्छा गाना है, बहुत प्यारा गाना है किशोरदा का। और किशोरदा के तो हर गाने ही प्यारे हैं, उनके उनके किसी भी गाने को हम ये नहीं कह सकते कि अरे ये थोड़ा सा, उनका हर गाना एवरग्रीन सॉन्ग है। हम बच्चे भी थे तब भी सुनते थे, बड़े जो हैं वो भी सुनते हैं, जो बूढ़े हैं वो भी सुनते हैं, और आगे भी लोग उनको सुनते रहेंगे। तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा दीपक सर को कि वो इतना बढ़िया ट्रिब्यूट दे रहे हैं हमारे लेजेंड किशोरदा को। तो सर, हमारे पास और भी बहुत सारे गानों की फरमाइश आई है, जिसमें से एक गाने की फरमाइश है पग घुंघरू बांध। तो मैं चाहूंगा आप इस फरमाइश को जरूर पूरा करें। अनम्यूट। जी, मैं ज़रूर सुनाऊंगा। उससे पहले एक बहुत बढ़िया गाना मेरे जहन में अभी आ रहा था, अगर इजाज़त हो तो मैं पहले वो वाला गाना सुना दूं। जी जी सर, थैंक यू सो मच, सॉरी। सो ये जो गाने के बोल है कुछ तरह है, सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल, पार्टी पार्टी सॉन्ग है, ठीक है। क्या बात, वन मिनट। सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। थैंक यू सो मच, थैंक यू दिवाकर जी। इट वॉज अमेजिंग दीपक दा, इट वॉज अमेजिंग, मतलब क्या निशब्द हूं मैं, इससे बढ़िया ट्रिब्यूट नहीं हो सकता किशोरदा के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत खूब गाया आपने। और किशोरदा लेजेंड इसीलिए बोले जाते थे क्योंकि वो हर तरीके के गाने गाते थे, रोमांटिक में भी और सैड सॉन्ग्स में भी, जॉली मूड के सॉन्ग्स में भी, उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता था।
वो सही में लेजेंड थे। तो अब आपके पास जो फरमाइश आई थी पग घुंघरू बांध की, मैं चाहूंगा आप उसको पूरा करें। जरूर, फिर से मैं कुछ मोहलत चाहता हूँ। थैंक जी जी सर। यू सो मच। अरे आज तो आप मोहलत ले ही लीजिए सर। अयो मोहलत नहीं लेंगे तो गाने कहीं सिखाएंगे। आप लोगों ने, हमारे जितने भी अभी व्यूअर्स हैं, उन्होंने शाम का भी प्रोग्राम देखा, इतना प्यार सपोर्ट दिया। दीपक सर के प्रोग्राम को भी इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, तो थैंक यू सो मच हमारे अभी व्यूअर्स को। एंड आई थिंक दीपक सर रेडी हैं। ओके तो ओवर टू यू दीपक सर। एंड हियर वी गो पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक बुजुर्गों ने, बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। के पगे घुंघरू के पगे घुंघरू बांध मीरा नाच दे। के पगे घुंघरू बांध मीरा नाच दे। और हम नाचे बिन घुंघरू के पगे घुंघरू बांध मीरा नाच दे। वो तीर भला किस काम का है जो तेरे निशाने से झुके 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 रे। के पगे घुंघरू पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, नाची थी, नाची थी, नाची थी। हाँ के पगे घुंघरू बांध मेरा नाची थी। सा सा गगा रे रे सा नि 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 सा 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 गगा रे रे सा नि 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 सा 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 गगा गा पापा मामा गा रे 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 गा 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 पानी सा पानी सा मा पानी मा पानी रे 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 गा रे गा रे गा रे गा रे गा आप तो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, वाह खुदा शक्ल से तो जो नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारी सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। आप
का तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, हर ईमान की जिंदा यह मिसाल बनो। पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो। क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके 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 रे ते पग घुंघरू, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी हाँ, ते पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू दिवाकर जी। क्या बोलू सर, मतलब ये वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स है किशोर दा का। मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किशोर दा नहीं गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं सर। आप गा रहे थे और दिवाकर जी भी झूम रहे थे। मैं गा रहा था, मैं लिटरली सर के साथ मैं गा रहा था, उस गाने को जी रहा था। सर आप क्या है, आप कमाल है सर। और यही है किशोर दा के गाने की नजाकत और मजेदार बात, यही जादू है उनके गाने का, यही जादू है उनके गाने का। मतलब कोई उनको गुनगुनाए बिना रह नहीं सकता, ये जादू था। जैसे कि मैंने बोला ना भाई, कुछ भी उनको दे दीजिए गाना गाने के लिए, मतलब बखूबी निभाते हैं, पूरा जस्टिस करते हैं। सबसे बड़ी बात है जिस शख्स के लिए गाना गा रहे हैं, जिस एक्टर के लिए गाना गा रहे हैं, उनमें बिल्कुल बस जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वही सामने बैठे हैं, अभी उन्हीं को जी रहे हैं। तो अगला गाना, सो सर अगला गाना, एक रिक्वेस्ट आई है, आपने जॉली मूड का भी सुना दिया, एक थोड़ा सा गाना है जो मुझे भी बहुत पसंद है। ये गाना मैंने बहुत पहले सीखा था और ये मेरा सबसे पहला गाना था किशोर दा का जो मैंने गाया था, तो मैं चाहूंगा वो आप वो सुनाएं, मेरे नैना सावन भादो। जरूर, फिर से कुछ सेकंड्स की मोहलत, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, तो अब मेरी फरमाइश पे मेरा फेवरेट गाना दीपक सर सुनाने जा रहे हैं, जो कि मैंने बहुत पहले सीखा था। ये मेरा सबसे पहला गाना था जो मैंने सीखा था। अरे वाह क्या बात है, बहुत पसंद है। और आज हम आप भी फरमाइश भेज रहे हैं और हमारे सारे व्यूअर्स भी भेज रहे हैं, तो एक के बाद एक हम फरमाइश बोलते जाएंगे और दिवाकर आप उनको पास ऑन करते जाएंगे। और ये बस यही इस बरंडे की शान है, ऐसे ही हम आज उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और मैं अपने म्यूजिक ब्रांडा को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि वो इतना बड़ा ट्रिब्यूट और इतना बड़ा एक प्रोग्राम सेटअप किया हमारे लेजेंड के लिए, किशोर दा के लिए। सो थैंक यू म्यूजिक बरेंडा की पूरी टीम। एंड आई थिंक दीपक सर तैयार हैं। तैयार है सर, बस कुछ सेकंड्स और, थैंक यू। ओके ओके सर, इससे पहले भी हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था ना दिवाकर, हमारे रॉकस्टार लिटिल रॉकस्टार का छोटे उस्तादों ने तो कमाल कर दिया, कमाल लगा जैसे मैंने बोला था। और अभी हमारे जो वरंडा के किशोरदा कहे जाते हैं, हम इनको किशोरदा बोलते हैं, वो कमाल कर रहे हैं। इज ऑन फायर, थैंक यू सो मच। ओके सर, ओवर टू यू। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे मेरा
थैंक यू दिवाकर जी, थैंक यू सो मच। सर मैं इमोशनल हो गया हूँ मैम, क्योंकि ये गाना मेरे बहुत करीब है दिल के, और लग रहा है देख के कि दिवाकर जी को अपना अपनी जर्नी याद आ गई, शायद शुरुआत इन्होंने इसी से की थी। और यही है किशोरदा के गाने की खूबी कि हम लोग डूब जाते हैं उसमें, है ना, सब चीजें याद आती है गानों से, हम कितना रिलेट करते हैं अपनी लाइफ को। ये जो गाना है ना ये शिव रंजनी राग पे आधारित है, जबकि मुझे रागों का कोई समझ नहीं है, जहाँ तक मैंने सुना है। आर डी बर्मन साहब कुछ बता रहे थे इस गाने के बारे में, ये गाना बेसिकली किशोरदा ने गाना नहीं था, इस गाने को पहले गाना था लता मंगेशकर जी को, ठीक है। सो बट आर डी साहब ने बोला कि भाई किशोर आप भी इस गाने को गाओ, तो किशोरदा ने बोला कि जब सुनने के बाद इसके जो लिरिक्स हैं उनको सुनने के बाद उन्होंने बोला कि भाई ये गाना मैं नहीं गा पाऊंगा, मेरे से होगा ही नहीं, ये बहुत बहुत मुश्किल है मेरे लिए। पहली बार ऐसा हुआ कि आरडी साहब को किशोरदा ने, वो भी किशोरदा ने बोला कि ये गाना मैं नहीं गा पाऊंगा, अगर मेरे से गवाना है तो एक काम करो आप जो है पहले लता जी से ये गाना गवाओ मेरे सामने, मैं सुनना चाहता हूँ गाना कैसे गाते हैं आप, मेरे को फिर दो दिन का मोहलत देना, इस गाने को मैं बिल्कुल रियाज करके मेमोराइज करके मैं वैसे के वैसा डिलीवर कर दूंगा, वो मेरे पे आप छोड़ दो। तो कुछ ऐसा ही हुआ, लता जी से ये गाना गवाने को उन्होंने बोला, लता जी ने गाया, क्योंकि आपने देखा होगा ये गाना दोनों वॉइस में, मेल भी और फीमेल, लता जी ने गाया तो उसके बाद किशोर जी ने उसको मेमोराइज करके फिर से गाया। और मैं उम्मीद करता हूँ ऑलमोस्ट अगर मतलब एग्जैक्टली सेम ना हो तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने इस गाने को बखूबी निभाया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है उनके लिए। और यही शायद पहले के गायकों में खूबी थी, वो बहुत एक दूसरे को इज्जत देते थे और एक दूसरे के साथ गाते थे और जीते थे, लाइफ जीते थे, और वही हम आनंद ले रहे हैं। तो अगली फरमाइश दिवाकर जी आपके पास आई है, ये मैं दू जी, आप ही बता दीजिए मैम। रात कली एक ख्वाब में आ, अरे क्या बात है ना, ये तो अल्टीमेट सॉन्ग है सर, मैं भी चाहूंगा कि आप ये गाएं। हमारे व्यूअर्स भी ना एकदम चुन चुन के खराइश दे रहे हैं, तो मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। दीपक जी तैयार है? मैं कोशिश करता हूँ इस गाने को, लिरिक्स अगर मेरे पास है, अगर क्या बोलते ट्रैक्स अगर है मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। फिर से कुछ सेकंड्स की मोहलत, थैंक यू सो मच। और मैं एक बात कहना चाहूंगा दी हमारे लेजेंड किशोरदा के बारे में जी। आज के हम सिंगर्स को जब नापते हैं अगर कभी, तो हम कहते हैं उसने ये अवार्ड जीता है, उसने आईफा अवार्ड जीता है, ये अवार्ड, लेकिन जब पुराने सिंगर्स की हम बात करते हैं तो हम कभी उनको अवार्ड से नहीं नापते हैं, बिल्कुल सही बोल, नॉट किशोरदा, क्योंकि वो लोग जो थे वो अवार्ड से बियॉन्ड थे, वो अपने आप में एक अवार्ड थे, उनको जीना उनको गाना अपने आप में एक अवार्ड है, अवार्ड के बराबर है। सो मैं दीपक सर को फिर से बधाई देना चाहूंगा कि वो लेजेंड किशोरदा को ट्रिब्यूट दे रहे हैं और इतना अच्छा ट्रिब्यूट दे रहे हैं। अगर मैं दिल से कह रहा हूँ कि अगर किशोरदा आपको सुन रहे होंगे ऊपर से तो बहुत खुश हो रहे होंगे कि आप उनको इतना बढ़िया ट्रिब्यूट दे रहे हैं और हमारा ब्रेंडा इतना बढ़िया ट्रिब्यूट दे रहा है। सो बिल्कुल सही बोला, वो हमारे साथ हैं, आई थिंक वो हमारे हम जी रहे हैं, उनको हम उनको जी रहे हैं, जी रहे हैं हम उनको जी रहे हैं। इवन तो... जब भी मेरे मुंह से उनका नाम निकल रहा है मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। सर ये... क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके सर, ओवर टू यू। Ooh,
थैंक यू सो मच. थैंक यू. क्या बात सर. बहुत बहुत खूब. बहुत खूब. बहुत खूब. थैंक यू सो मच. एकदम गूंज 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 गई आपकी आवाज है ना दिवाकर. मजा आ गया. मैंने तो एक शब्द में कह दिया. बिल्कुल लग नहीं रहा कि किशोरदा नहीं गा रहे हैं. बिल्कुल आप किशोरदा की कॉपी हैं सर. और आपकी डेडिकेशन नजर आती है कि आप कितना मानते हैं किशोरदा को. आपकी गायकी से वो पता लगता है. क्योंकि कहते हैं ना हम जिसको फॉलो करते हैं उसके कुछ अंश भगवान की देन से हमारे अंदर आ जाते हैं. ये बात मैं आज मान गया. ये सत्य बात है. और सर एक और गाने की फरमाइश आई है. मैं चाहूंगा वो आप पूरा करें. और मेरे ख्याल से ये गाना तो सबने सुना है. जितने भी म्यूजिक लवर्स हैं ये गाना शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने नहीं सुना होगा. और ये गाना है पल पल दिल के पास तुम रहती हो. वाह बहुत अच्छा गाना. सही बोला आपने. मेरे दिल के करीब है. मैं देखता हूँ अगर ये इसका मुझे ट्रैक मिल जाता है. जी सर पल पल बिल्कुल. हम विश करते हैं कि आपको ट्रैक जल्दी मिल जाए और हमारे व्यूअर्स जल्दी सुन. क्यों दिवाकर सही है ना. बिल्कुल. और जिसने भी ये फरमाइश की है वो मतलब किशोरदा का डाई हार्ट फैन है. और ये सही बोला है कि गाने का बात हो तो किशोर कुमार तो पहले किशोरदा का नाम तो पहले आता है. और ये जो उनके कुछ गाने हैं वो तो मेरे ख्याल से हमारे जनरेशन में आप लोगों ने एक उनके लवर्स में प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टाइम में सुना जाएगा. तीनों जनरेशन में सुना है. इनफैक्ट मेरी मम्मी भी देख रही है प्रोग्राम और वो भी फरमाइश भेज रही है और वो कॉम्प्लीमेंट्स भेज रही है आपके लिए. माय मम्मी 70+ 76. क्या बात है. मैं ब्लेस्ड हूं कि इतने उम्र के लोग भी मुझे सुन रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. सो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं सबका जो फरमाइश है उसको पूरा कर सकूं अगर मेरे पास ट्रैक हो तो ये इसका मेरे पास ट्रैक है तो मैं शुरू करूं. वाओ हमारी खुशकिस्मती है. ओवर टू यू सर. ये कहती हो
गजल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू दिवाकर जी। क्या बात सर, थैंक यू। मतलब पल पल दिल के पास तुम रहते हो, बिल्कुल किशोरदास, हम हर पल हमारे साथ हैं, हमारे दिल में बसते हैं। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं हमारे गुरुजी, जिनसे हमने सीखा है। मैं चाहूंगा कि दो शब्द वो भी कुछ बोले सर। गुरुजी आपको प्रणाम है मेरा। गुरुजी का मेरा प्रणाम। आशीर्वाद दीपक जी, आशीर्वाद। आप मेरे गुड शिष्य हैं, बहुत बेहतरीन शिष्य में आ गए हो। मुझे बड़ा प्राउड फील करता हूँ मैं, मुझे इतना सुंदर शिष्य मिला है। शायद मैं और निखार पाऊंगा आपको बेहतरीन तरीके से, और आपसे बहुत उम्मीद भी है मुझे कि भविष्य में और बेहतरीन देंगे। और मैं आपका रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ मैं आपका आवाज स्टूडियो में। और मैं म्यूजिक ब्रेंडा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने बड़े लीजेंड सिंगर्स को, इतने बड़े बड़े राइटर्स को, बड़े बड़े सिंगर्स को, नए लोग छुपे हुए बड़े बड़े कलाकार को, सबके यहाँ हम जो है जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, है ना, हर तरह की प्रोग्राम्स करते हैं हम लोग करते हैं। तो इसे सबको ये धन्यवाद जाता है, खास करके अनिला जी को बहुत बहुत थैंक यू, और रेणु जी को, जैन साहब को, जिन लोगों ने इतना बड़ा मंच खड़ा किया सभी कलाकार के लिए, और आज पूरा दुनिया इसको देख रही है। हम आगे यही उम्मीद करते हैं कि और बेहतरीन हो। और आज किशोर जी का बहुत बहुत मेरा तरफ से बहुत उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ उनको, और हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से और सभी मुझे बेंडा की तरफ से सभी उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से जितने भी शिष्य हैं हमारे म्यूजिक ब्रेंडा के, सब जब कोई भी कमी है या कोई कुछ पूछना हो, एज अ मेंटर, एज अ गुरु जी, मुझसे एनी टाइम मैं तैयार हूँ। कोई भी कोई दिक्कत हो, बेहतरीन तरीके से सीखें और गाय गाए और संगीत का ऐसे ही सेवा करते रहे, और म्यूजिक ब्रेंडा जो है ना एकदम टॉप पे लेके जाए आप लोग गायकी से। और कोई कमी है, कोई चीज की दिक्कत हो, तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ 24 घंटा, जो भी आपको पूछना है गायकी में, क्रिएटिविटी में, जो भी चाहिए, नाम ऐसे रोशन करना है। ये हमारा बहुत अहोभाग्य कि हमारे साथ ऐसे गुरुजी जुड़े हुए हैं जिनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। और दिवाकर और दीपक जी जैसे आपने कलाकार तैयार किए जो आज इतने अच्छे अच्छे गाने सुना रहे हैं, उनको प्रणाम आपको। और हम आज किशोरदा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके गानों के साथ साथ, और दिवाकर और दीपक जी बहुत मजा दे रहे हैं। दिवाकर जी बहुत अच्छे अच्छे गानों की फरमाइश भेज रहे हैं और दीपक जी गा रहे हैं, तो हम गाने भी सुन रहे हैं और बातें भी सुन रहे हैं। तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद, तुमने बहुत अच्छा होस्ट किया है, बहुत अच्छा बोलते हो, मतलब बड़ा खुशी हो रही है तुमको देख के यहाँ पे। तुम मेरे बेहतरीन शिष्य में से, तुम मेरा नाम रोशन करोगे ही, मुझे पता, तुम्हें बहुत उम्मीद है, काफी कर चुके हो, आगे करने वाले हो, और बहुत उम्मीद है अभी तुमसे, मुझे बहुत उम्मीद है, ठीक है। और दीपक जी से भी खास करके, दीपक जी तो खैर मुझे बहुत काम लेना है अभी इनसे। मैं गुरु जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा अगर मुझे परमिशन हो तो। मैंने बेसिकली, मेरी कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है, बहुत क्या बोलते हैं, आशा थी मैं कुछ करूंगा इस क्षेत्र में, तो मुझे कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है और कोई गुरु भी नहीं मिले हैं। और इस तरह के गुरु जो हमारे गुरु जी है अभी सामने इस टाइम जो है मिश्रा साहब, सो सबसे खूबी इन गुरु में ये है कि बहुत गुरु हमने भी सुने हैं, कुछ लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई है, पर जिस निस्वार्थ से सिखाते हैं हमारे गुरु जी, उनका कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल। मतलब दूर तक ऐसा कोई गुरु मिलना बहुत मुश्किल है कि भाई आप किसी भी टाइम, मतलब आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, कुछ भी जानकारी है चाह सकते हैं। और मुझे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसे गुरु का साथ मिला है, मुझे उम्मीद है गुरुजी मेरे कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे और मैं भी नहीं कभी छोड़ूंगा।
और अगर आपका आशीर्वाद और सबका आशीर्वाद रहा तो हम लोग बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं इस क्षेत्र में, स्पेशली म्यूजिक ब्रांड की तरफ से। सो थैंक यू गुरुजी वंस अगेन, प्रणाम आपको। आपने बहुत बहुत खूब बोला दीपक सर, और मैं भी गुरुजी को हमेशा यही बोलता हूँ कि गुरुजी मेरे भगवान हैं, मैं जो भी गाता हूँ गुरुजी की देन है, गुरुजी का आशीर्वाद हम सब पे हमेशा बना रहता है, हम ही हमारी थोड़ी छोटी छोटी कमियों को भी बताते हैं तो बड़ा मजा आता है। और अब आपके लिए दीपक सर, आपके लिए एक फरमाइश है, क्या यही प्यार है सॉन्ग का, तो मैं चाहूंगा आप उसे पूरा करें। जी जरूर, मैं थोड़ा सा, जैसे कि मुझे मालूम है कि ट्रैक लगाना पड़ता है इसके लिए, सॉरी। सो ये जो गाना बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स है, और किशोर दा ने बखूबी निभाया है, और मुझे कहते हुए कोई भी शर्म नहीं आ रही है, और मैं फक्र से ये कह सकता हूँ जो किशोर दा ने इस गाने को जो निभाया है शायद ही और कोई निभा पाता इस गाने को। बिल्कुल सही बात, सही बात। जो क्या बोलते हैं, ये देवनगरी राग है, ठीक है, लिरिक्स जो है इसका, सो मैं कोशिश करूंगा निभा पाऊं, सो मुझे कुछ सेकंड का मोहलत दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये वन ऑफ द बेस्ट कंपोजिशंस एवर इन बॉलीवुड में से एक है, क्या यही प्यार है, क्योंकि इस गाने में इतने उतार चढ़ाव हैं कि उसको समझना बहुत बहुत मुश्किल है। आई थिंक दीपक सर तैयार हैं, एक सेकंड दीजिए जी, कुछ ट्रैक्स में इशू हो गई। सो मैं एक बार फिर से अपने एफबी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं द लेजेंड किशोर दा का बर्थडे, और हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है हमारे एफबी व्यूअर्स की तरफ से, बहुत मजा आ रहा है, और हम आज का डे इतना एंजॉय कर रहे हैं, मतलब शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जितना हमने एंजॉय किया होगा, क्योंकि किशोर दा थे ही ऐसा, उनका नाम लेते ही एक अलग एनर्जी आ जाती है हर जगह पे, तो ये उनका जादू है, ये कुछ करिश्मा है उनका। दिवाकर जी पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया, और अब हमारा नेक्स्ट शो शुरू होने वाला है, तो दीपक जी का हम लास्ट सॉन्ग सुन रहे हैं, और उसके बाद हम अपने नए दूसरे गेस्ट का हम स्वागत के लिए तैयार हैं, बिल्कुल, गेट रेडी। और तो आज की शाम तो खत्म होने से रही, क्योंकि आज मतलब बैक टू बैक हमारे शोज चलेंगे, तो और हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे 3-time नेशनल अवार्ड विनर ब्रह्मानंद सर, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग डायरेक्टर हैं, द लेजेंड डायरेक्टर्स में से उनका नाम आता है, तो आप सभी जुड़े रहें और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। ओवर टू यू दीपक सर। थैंक यू। और गौरव शर्मा जी जुड़ेंगे, वो भी जी, तो हम दीपक जी से लास्ट गाना सुन रहे हैं और फिर हम इंतजार करेंगे अपने नए गेस्ट का जी। सो ओवर टू यू।
मैं इस गाने को पूरा गाना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। हाँ यही प्यार है।